हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज आप सब अच्छे होंगे, मैं तो अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को हम दिखाएंगे। आज नया रेसिपी हम बनाएंगे, तो आप लोग को हम दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं हम आप लोग को दिखाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो भी हम दिखाएंगे आप लोग को। तो देखिएगा, देखिए देखिए, हम पहले में सान के रखे हैं, दिखाते हैं। देखिए ये है, हम लोग मड़ुआ मड़ुआ बोलते हैं, ये मड़ुआ रोटी है। मड़ुआ का रोटी बनता है, तो आज हम मड़ुआ रोटी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे ये हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और ये मड़ुआ का रोटी खाने से सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत अच्छा होता है। और ये बाज़ार में भी मिल जाता है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। तो हम लोग ये अपने घर का है, तो हम लोग खेती किए हैं, इसीलिए हम लोग खरीद करके नहीं लाए हैं। तो आज हम बनाएंगे, और आप लोग वीडियो में देखिएगा कि कैसे बनाते हैं इसको। और आप लोग भी मार्केट से खरीद करके खाइएगा, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम एक लुई ले लिए हैं, और इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको ऐसे ही हम चौड़ा करेंगे, देखिए इस तरह से। इसे करते करते हम पतला कर लेंगे और इसे हम दे देंगे। फिर हम दूसरा लुई ले लेते हैं। हम और दो वो बनाएंगे, देखिएगा, हम इस तरह से हम सब बना लेंगे। देखिए आप लोग इस तरह से दबाते हुए ऐसे ही गोल करेंगे हम इसको, उतना तक इसको हम देखेंगे। थोड़ा सा हाई फ्लेम पर हम बना लेंगे, देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। आप लोग देखिएगा, जितने भी नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा, इस तरह से बनाते हैं। देखिए तो ये हमने दिए हैं, इसको हम पलट लेंगे। अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं खुल रहा है, और ये हो जाएगा तो अपने अपने ये खुल जाएगा। इसमें हम तेल हम नहीं डाले हैं, ना तेल डाले, पानी डाले, कुछ नहीं डाले हैं। और जो ये है, इसमें हम पहले से आटा को हम मड़ुए के आटा को हम गर्म पानी से हम इसको जिस तरह से हम लोग आटा सानते हैं उसी तरह से हम इसको सान दिए हैं। और सान के हम 5 मिनट के लिए हम ढक के रख दिए थे, और उसके बाद हम अभी बनाना स्टार्ट किए हैं। फिर देखते हैं हो गया कि नहीं, ये नहीं खुल रहा है, तो इसको इसका उपाय है, इसको हम पकड़ लेंगे। ये आसानी से खुल जाता है। चारों तरह से इस तरह से अभी ये नहीं हुआ, बढ़िया से हो जाएगा तो फिर खुल जाएगा अपने से। तो आप लोग देखिए, ये आसानी से खुल जाता है। इस तरह से एक तरफ हो गया, अब हम दूसरी तरफ इस तरह से हम पलट देंगे, और इधर भी अच्छा से सीध जाएगा, उसके बाद हम निकाल देंगे। आप लोग से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा,
और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो। चलिए हम इसको दूसरा देने से फटाफट हम इसको बनाते हैं। और जो ये दूसरा है इसको भी हम इस तरह से आते हुए इसको हम गोल करके चौड़ा करेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल बन गया है, आप लोग देखिए कितना अच्छा गोल बन गया है। इसको हम इसमें ऐसे कर देंगे। तो मेरा रोटी हो गया बनके तैयार। देखिए तो देखिए कितना अच्छा से बना है सौंधा, बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है, लग रहा है कि हम जल्दी से खा लें। तो आप लोग से आप लोग भी वीडियो में देखिए लास्ट तक। तो लीजिए आप लोग को पहले हम देते हैं, मुंह खोलिएगा और आपका मुँह में हम डाल देंगे इस तरह से। तो आप लोग चलिए हम स्टार्ट करेंगे खाना। तो अब खाने में आज हम तो अभी हम खाएंगे ये रोटी और ये सब्जी में है सोयाबीन और आलू के सब्जी है, तो इसके साथ हम अभी खाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए इस तरह से हम बीच में तोड़ेंगे, इसका बहुत स्वाद लगता है। तो चलिए हम फटाफट इसको खाएंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेरा, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, घंटी को और लाल वाला बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो। चलिए आज के लिए बाय बाय।